पूरे भारत में आज ईद उल फितर के मौके पर जश्न का माहौल है। इस जश्न की झलक रामनगरी अयोध्या में भी देखने को मिल रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास आज ईद के पाक मौके पर अयोध्या भूमि विवाद मामले के पूर्व वादी इकबाल अंसारी से मिलने उनके घर पहुंचे। इस मौके पर आचार्य सत्येंद्र दास ने इकबाल अंसारी के पूरे परिवार से मुलाकात की और आज के त्योहार की सभी को बधाई दी। आज ईद का दिन है और विशेषकर मुस्लिम संप्रदाय के हमारे इकबाल जी का आज यह पर्व है। हमारे यहाँ जैसे पर्व मनाया जाता है वैसे इनके यहाँ के अपना पर्व है। इसमें मैं इनके आश्रम में इनके घर पर आया हूँ और इसीलिए आया हूँ कि इनको शुभकामनाएं दिया जाए ईद का, जिससे कि ईद जिसी प्रकार से इनके यहाँ ये पर्व है और यह विशेष रूप से मुस्लिम संप्रदाय के लिए है, उसी प्रकार हमारे यहाँ भी जब होता है पर्व तो यह इकबाल जी जाते हैं और चाहे होली हुआ चाहे दीपावली हुआ और भी कोई कार्य होते जाते हैं, उसी प्रकार मैं भी आज ईद के अवसर पर आया हूँ इनको शुभकामनाएं देने कि यह ईद जो है इनके लिए मुबारक हो और सदा ये सुखी और प्रसन्न रहें, किसी प्रकार की कोई समस्या इनकी न आवे और जो हमारे यहाँ व्रत और ईद आदि कार्यक्रम होते हैं उससे हमारे कष्ट दूर होते हैं। तो ईद का मुबारक देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं, जो भूरी भूरी बारम्बार इनको ईद का मुबारक दे रहा हूँ और इसीलिए मैं शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ आया। इकबाल अंसारी ने फूलों की माला पहनाकर आचार्य सत्येंद्र दास का स्वागत किया। बदले में आचार्य सत्येंद्र दास ने भी उन्हें माला पहनाकर ईद की मुबारकबाद दी। इकबाल अंसारी ने आचार्य सत्येंद्र दास के आगमन पर खुशी जताते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। अयोध्या का जो है, अयोध्या धर्म की नगरी है। आज का पर्व जो चल रहा है हमारे यहाँ ईद का है और पहला दिन दूसरा दिन भी जो है रामनवमी का है। ये मुबारक दिन जो है वो सबके लिए है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। तो अयोध्या की धरती से हम लोग सबसे जो है एक मैसेज देते रहते हैं कि यहाँ की गंगा जमुनी जो तहजीब है वो हमेशा बरकरार रहे और हिंदू मुसलमानों में भाईचारा रहे और देवी देवताओं का सभी का सम्मान रहे। वो हम करने के लिए अपने यहाँ जो कुछ देखिए आज लोगों को जो है इन्वाइट किया हूँ और रामलला के पुजारी जी से जो है हमने भी आशीर्वाद लिया हूँ और जो है हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब आलोक सिंह है, उनका पूरा परिवार है और ये हमारे यहाँ जो है। इस मौके पर क्या कहेंगे आज आप? देखिए, इस मौके पे तो हम यही कहते हैं कि हमारा देश आगे जाए और हिंदू मुसलमानों में एकता रहे, सरकार जो भी हो उस नियम कानून का पालन जो है सभी लोग उसका करें, ये हम यही चाहते हैं।